वालेकुम कैसे आप सब लोग उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लिप ग्लो की प्रोडक्ट्स का तो मैंने इनकी के वाइटनिंग बंडल मंगवाया था इसमें मुझे तीन चीज़ें रिसीव हुई थी एक इनका ब्राइटनिंग फेस वॉश एक इनकी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम और दूसरा था तीसरी चीज़ थी इनकी अम, सन ब्लो तो सन फिलहाल मेरे पास नहीं है वो क्यों नहीं है वो मेन वीडियो में आपको आगे चल के बताऊँगी तो मैंने ये डील कितने में परचेज़ की किसके कहने पे परचेज़ की थी और उसके कैसे रिज़ल्ट मिले हैं वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊँगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की तो इस बंडल की मतलब तीनों चीज़ों की प्राइस जो थी ये वाइटनिंग बंडल है एक इनकी एक्चुअल प्राइस ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड समथिंग मतलब ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तक थी लेकिन जब मैंने ऑर्डर की थी तो तब इनका डिस्काउंट ऑफर चल रही थी तो मुझे ये ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तक मिल गई थी मतलब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड समथिंग तक थी प्राइस इनकी थी ट्वेंटी फोर समथिंग और डिलीवरी चार्जेस वग़ैरह डाल के जो है वो इसकी प्राइस मुझे पड़ गई थी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तक ठीक है मतलब एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मुझे अब याद नहीं है जिसके कहने पे मैंने ये बंडल जो है वो बाय किया था वो है निशो खान उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया था तो मैंने बिलीव में जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो इतने अच्छा उनका फ़ीडबैक देखने के बाद मैंने उसी टाइम इस डील को ऑर्डर कर दिया बग़ैर कुछ सोचे समझे फिर जब प्रोडक्ट्स रिसीव हुई और मैंने इनको यूज़ किया तो यकीन करें किसी काम की ये प्रोडक्ट्स नहीं निकली बिल्कुल यूज़लेस हैं मतलब ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड की अगर हम बात करें तो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड में बहुत सी अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो चलिए देख लेते हैं ये लोग क्लेम क्या कर रहे हैं और मुझे रिजल्ट्स में क्या कुछ मिला है सबसे पहले है जनाब इनका हाउ टू अप्लाई यूज़ लिप ग्लो ब्राइटनिंग फेस वॉश ट्वाइस अ डे वेट योर फेस अप्लाई टू योर हैंड्स एड वाटर एंड वर्क इन टू लेदर मसाज योर फेस जेंटली रिंस रिन्सथॉरली एंड पैड ड्राई इसके बाद फीचर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं तो फीचर्स में है फॉर ब्राइटर एंड यंगर लुक इंप्रूव अन इवन टोन स्किन ब्लॉक मेलन इन प्रोडक्शन डीप लेंजेस रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड ब्लैमिश एंड नॉन कॉमेडोजेनिक तो मेरी जो स्किन है वो ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली है और ना ही ड्राई है मतलब मेरी नॉर्मल स्किन टोन है और उसमें इसने बिल्कुल भी मुझे रिजल्ट्स नहीं दिए मेरी तरफ से ये बिल्कुल जो है वो फेल प्रोडक्ट है मैं इसको बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी उसके बाद बात कर लेते हैं ब्राइटनिंग क्रीम की तो ये लोग भी जो है वो इनके फीचर्स में इन्होंने लिखा हुआ है लाइट एंड द स्किन रिड्यूसेस स्किन पिगमेंटेशन reduces melanin, improve uneven toned skin protection from premature skin aging reduces dark spots and blemishes. तो मुझे तो इन सब चीज़ों में से कोई भी ऐसे ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिले इतने प्राइस में अगर हम बात करें जो इसके पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सिर्फ ये हैं कि इसके जो है वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ती ये स्किन ये क्रीम जो है मतलब ऐसा आ, कोई फील नहीं होता इतना कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है टेक्सचर जो है वो इत इसका स्मूथ है लाइट वेट है मतलब तो बड़ा टेक्सचर इसका अच्छा है अगर आप वैसे आम रूटीन में कोई ये क्रीम यूज़ करना चाह रहे हैं जैसे हम फॉर एग्जांपल हम फेयर एंड लवली जो है वो यूज़ करते हैं तो उसका वो थोड़ा सा वाइट कास्ट भी होता है और स्किन पर ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे हमने कुछ लगाया हुआ है लेकिन इसका उस तरह से कुछ फील नहीं होता लेकिन अगर रिज़ल्ट की बात की जाए जो कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं तो इसमें ऐसे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं हैं um, मैं तो इसको फोर फोर आउट ऑफ टेन जो है वो मैं इसको दूंगी और इसको मैं दूंगी थ्री आउट ऑफ टेन और जो इनका सन uh, ब्लो था वो तो मेरी तरह से बिल्कुल ज़ीरो फ्लॉप है तो अगर आप लोगों ने भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो आपको इनके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इनके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं तो मैंने तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करके देखी हैं मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले तो आप लोगों के फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़